वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक ऐसी बीमारी जिससे अक्सर यंग जनरेशन छुपा रही है, यूटीआई। उस बीमारी का नाम है यूटीआई और काफी तेजी से लोगों में ये फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी पेशाब के मार्ग में जो संक्रमण होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, दाने हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, आपके पेनिस पे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। और फिर इसका एक कारण और होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल लाइफ होता है। तो ये इस तरह की बीमारी है कि कई लोग इसे शर्म के मारे बताते नहीं है, किसी से शेयर नहीं करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि यह बीमारी बढ़ती जाती है और ये काफी भयानक रूप ले लेती है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, यूटीआई जो बीमारी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आजकल किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यह इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ट्रीटेबल है, इसे ठीक किया जा सकता है। इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, दवाई क्या है, सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ये देखिए, यूटीआई का जो पूरा नाम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये जो है मूत्र मार्ग का संक्रमण होता है और बैक्टीरिया के संक्रमित होने से, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं यूटीआई के बारे में होता क्या है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इस पूरा नाम होता है और नॉर्मल इसे बोला जाता है यूटीआई। कौन सी डिजीज है, तो यूटीआई की डिजीज। और डॉक्टर जब डायग्नोसिस कर लेता है तो यूटीआई लिखता है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन है। क्या है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपके पेनिस में हो सकता है, आपके अंदर स्किन पे हो सकता है, आपके अंदर वाले भाग पे हो सकता है, आप जहां से यूरिन पास करते हैं वहां पे हो सकता है, छाले हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, सफेद सफेद दाने हो सकते हैं, तमाम तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये मूत्र प्रणाली में गुर्दे, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होता है। अधिकांश संक्रमणों में निचले मूत्र पथ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग में शामिल होते हैं। यानी ये सब कुछ कहने का मतलब ये है कि यूटीआई की जो इन्फेक्शन होती है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, यानी पेशाब का जो रास्ता है या जो आपका वो गुप्त जगह है, वहां पर ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन काफी पेनफुल होता है, इसमें दर्द भी होता है और इंसान बड़ा परेशान होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक जो है इंडिया में एक दिक्कत आती है, शर्म के मारे आप किसी से बताते नहीं। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि इसकी पूरी जानकारी हो जाए और आप इस बीमारी को आप ठीक कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो लक्षण होता है क्या होता है, या इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यूटीआई बीमारी का जो लक्षण होता है ये आप चेक कर लीजिए, इसमें से अगर कोई भी लक्षण आपके साथ मिलता है तो निश्चित रूप से आप यूटीआई इन्फेक्शन के शिकार है। पहला सिम्टम आता है, यूरिन पास करते समय पेट के निचले हिस्से में और कमर में आपको दर्द होता है। अगर यूरिन पास करते समय, पेशाब करते समय आपको दर्द का अनुभव होता है तो आप समझ लीजिए यूटीआई इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी है या यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है। दूसरा, यूरिन बहुत अधिक पीला या मटमैले रंग का आता है। अगर आपका पेशाब आप करते हैं उसका कलर बहुत ज्यादा पीला है, मटमैले रंग के है, या थोड़ा सा कुछ और डिफरेंस कलर में आ रहा है, बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। अब देखिए, यूरिन कम मात्रा में है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है। बार बार आप पेशाब करने जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है और फिर आपको पेशाब करने से घबराहट भी होती है, आपको डर भी लगता है कि यार बार बार पेशाब आ रहा है, एक तरह का दर्द का अनुभव भी आप करते हैं। ठीक है, बहुत तेज प्रेशर महसूस, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज प्रेशर आपको महसूस होता है लेकिन यूरिन पास करने पर, यानी जब पेशाब करने आप जाते हैं तो आप का जो पेशाब है वो ड्रॉप करके, यानी बूंद बूंद करके आता है, यानी पूरा फोर्स से नहीं आता है, पूरा प्रेशर से नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो काफी बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, यानी आपके यूरिन पास करने में यानी पेशाब करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या उसके स्किन पर अगल बगल यानी किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे एक समस्या का मतलब दाने पड़ जाना, छाले पड़ जाना, सफेद सफेद रेसेज पड़ जाना, रेडनेस हो जाना, अगर इस तरह की कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये यूटीआई इन्फेक्शन है, यानी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका,
अब ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए दो रास्ते हैं, एक तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं जो होते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसे हम एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ये दवा के द्वारा ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब देखिए अब एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक्स आमतौर पर मूत्र पथ के संक्रमण के लिए प्राथमिक उपचार होते हैं। आपका स्वास्थ्य और आपके मूत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के प्रकार यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी दवा का उपयोग किया जाना चाहिए और आपको इसे कब लेने की आवश्यकता है, ये आपके डॉक्टर बताएंगे। तो अगर इस तरह की समस्या आपके पास है तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए, एक बार जरूर मिलना चाहिए, या आप जो है SST हेल्थ केयर सेंटर से ऑनलाइन परामर्श भी आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस UTI इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है उसको करने के लिए आप कारगर उपाय क्या होगा। तो कारगर उपाय की दवा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कारगर दवा इस समय है वो होता है कैप्सूल है, 500 mg में आता है, जिसका नाम है एमोक्सिलिन। ठीक है, दूसरा यही दवा है लेकिन उसका डोज कम हो जाता है, वो 250 mg की दवा आती है, ये भी कैप्सूल है। इस एंटीबायोटिक का नाम है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन एक काफी यूजफुल एंटीबायोटिक कैप्सूल है, दवा है, मेडिसिन है, जो आपके UTI में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये दवा जो है आपको दो बाजार में अलग अलग नाम से भी मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे दो देखिए ऊपर लिखा हुआ है एमोक्सिलिन कैप्सूल IP 500 mg, इसका मतलब हुआ कि इस दवा में एमोक्सिलिन है और 500 mg की मात्रा में है, और नीचे आप एक नाम देख रहे हैं, ये नाम ये बताता है कि ये एक ब्रांड नेम है, यानी इस नाम से ये दवा आती है, अलग अलग नाम से आ सकती है, ये नहीं कि ये केवल एक ही ब्रांड के नाम से आएगा, इसमें सैकड़ों ब्रांड आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो 250 mg की जो कैप्सूल आती है वो भी आपकी आती है, उसमें भी आप देख पाएंगे, आप इमेज में देख पाएंगे स्क्रीन पर एमोक्सिलिन कैप्सूल IP लिखा हुआ है, ये 250 mg की दवा है। और ये अब दो का कारण कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, जो लोग 14 साल से बड़े हैं, 14 साल से बड़े हैं उनको उनके लिए 500 mg, और जिन जो इससे कम उम्र के हैं यानी बच्चों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें 250 mg की दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और देते हैं। किसी भी दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह कर लें, क्योंकि ये दवाइयां पर्चे पे मिलने वाली दवाइयां हैं, मैं आपको इस जानकारी के लिए दे रहा हूँ, ये दवाइयां सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इनके साथ जो है आप विटामिन सी ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, और अगर गैस की समस्या होती है, पेट में गैस की समस्या आ रही है, तो इसके साथ जो है आप गैस की दवा ले सकते हैं, जैसे एसिलाक हुआ, एसिलाक प्लेन हुआ, एसिलाक आरडी हुआ, ये दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर एक कैप्सूल आप एमोक्सिलिन की लेते हैं तो उसके साथ एक विटामिन सी जरूर लीजिए, ठीक है, और रात में अगर लेते हैं, दिन में लेते हैं तो विटामिन सी कभी भी ले सकते हैं, और अगर रात में लेते हैं तो इसके साथ आप विटामिन ए का कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। देखो इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये जो है पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट में ये परेशानी आती है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है ये परेशानी मेल को ही होगा फीमेल को नहीं होगा, ये UTI इन्फेक्शन जो है मेल और फीमेल में समान रूप से देखा जाता है और ये समस्याएं आती हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ भी है तो आप इसे आप समझ सकते हैं और इन दवाओं से आप इसे ठीक कर सकते हैं, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।